صدق الله مولانا العظيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول الله تعالى انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم الى اخر الحديث. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال محمد مبارك وسلم وصلي عليه الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. आज के दर्स का मौजू है जिक्र इलाही की बरकात. आले ईमान हमेशा से अल्लाह का जिक्र करते हैं और यही उसकी पहचान है, यही उनकी शनाख्त है और यही उनके लिए इज्जत का बायस है. अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जा बजा अपने ज़िक्र का हुक्म इरशाद फरमाया है. जाहिर है कि हर मोहताज अपने मालिक को याद करता है, इसी तरह मखलूक का हक है कि वो अपने खालिक का तज़किरा करे, अपने मालिक की याद में अपना वक्त गुजारे. हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो रवायत करते हैं, ताजदार ख़त्म नबुव्वत इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अना इंदा ज़न्ने अब्दी भी, फरमाया मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उसके करीब होता हूँ. यानी मेरा बंदा मेरे साथ जो मामला फरमाता है, जो मेरा बंदा मेरे मुतल्लिक गुमान रखता है, मैं उसके साथ वही मामला फरमाता हूँ. यानी बंदे का मालिक और खालिक के बारे में जो गुमान होता है कि अल्लाह मेरे साथ ये मामला फरमाएगा, तो अल्लाह उस बंदे के साथ ऐसा ही मामला फरमाता है. यही वजह है कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि बंदे को ये कामिल यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरे साथ करम का मामला फरमाएगा, मेरे साथ रहमत का मामला फरमाएगा, मेरे साथ फजल व अनायत का मामला फरमाएगा, मेरे साथ लुत्फ और मेहरबानी का मामला फरमाएगा. क्योंकि बंदे को जो यकीन होता है अल्लाह उसके साथ ऐसा ही मामला फरमा देता है. और इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि बंदे को ये यकीन कामिल होना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे बख्श देगा, अल्लाह ताला मुझ पर रहमत फरमाएगा, अल्लाह ताला मुझे जहन्नम में नहीं डालेगा, अल्लाह ताला मुझे दोज़ख़ से बचा लेगा. कि जब बंदे को ये यकीन होता है तो अल्लाह ताला उसके साथ यही मामला फरमाता है. फरमाया कि मेरा बंदा जब मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ, अगर वो दिल में मेरा जिक्र करता है तो मैं भी पोशीदा तौर पर उसको याद करता हूँ. यहाँ तक के फरमाया कि वो अगर किसी मजलिस में मेरा जिक्र करता है, किसी महफिल में मेरा जिक्र करता है, मुझे याद करता है, तो मैं उससे बेहतर महफिल में उसका जिक्र करता हूँ. यानी वो बंदों में मेरा जिक्र करता है, मैं फरिश्तों में उसका जिक्र करता हूँ. वो फर्श पे मुझे याद करता है, मैं अर्श पे उसे याद करता हूँ. ये नहीं कि वो मुझे याद करे और मैं याद ना करूँ. फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा. बंदे का याद करना दुनिया की महफिल में होगा, मस्जिद में होगा, घर में होगा और किसी जलसे में होगा, तो रब्बे जुल जलाल बेहतरीन मजलस में नूरी फरिश्तों की मजलस में उस बंदे का जिक्र फरमाता है. फरमाया कि अगर मेरा कोई बंदा मेरे एक बालिश्त मेरे करीब आता है,
ये बुखारी मुस्लिम की रवायत है। फरमाया जो एक बालिश्त, जिसको आप अपने जुबान में पंजाबी में एक गिठ कहते हैं, एक बालिश्त मेरे करीब आता है, फरमाया मेरी रहमत एक बाजू के बराबर यानी एक गज के बराबर उसके करीब आती है। और फिर फरमाया अगर मेरा बंदा मेरे तरफ चल कर आता है तो मेरी रहमत दौड़ कर आती है और उसे अपने दामन में ले लेती है। रब कितना करीम है, कितना मेहरबान है। कोताही हमारी है, कमजोरी हमारी है कि हम उसको याद नहीं करते, हम उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते। और जो अल्लाह को याद ना करे वो तो ऐसा है, चल रहा है मगर उसका दिल मुर्दा हो चुका है, खा रहा है उसका दिल मुर्दा हो चुका है, पी रहा है मगर आसारे हयात जो रूहानी और बातनी तौर पर होते हैं वो उसके ख़त्म हो गए हैं। और इसकी तफसील हदीस पाक में भी आती है, अन अबी मूसा रदी अल्लाह ताला अनु قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري। हजरत अबू मूसा रदी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं कि ताजदार खत्म नबुवत जाने कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया कि जो शख्स अल्लाह का जिक्र करे और जो अल्लाह का जिक्र न करे। हुजूर ने इनकी मिसाल बयान फरमाई, फरमाया एक शख्स ऐसा है जो अल्लाह को याद करता है और दूसरा ऐसा है जो अल्लाह को याद नहीं करता। फरमाया इन दोनों की मिसाल इस तरह है जिस तरह जिंदे और मुर्दा की मिसाल होती है, यानी अल्लाह को याद करने वाला जिंदा है और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता तो गोया वो मुर्दा हो चुका है, उसके अंदर आसारे हयात नहीं है। ये डेफिनेशन ताजदारे कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। अब जाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको मुर्दा फरमा रहे हैं इसका मतलब ये है कि असल जिंदगी तो अल्लाह का जिक्र है। जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है वो चल रहा है मगर मुर्दा है, वो खा रहा है मगर मुर्दा है, वो पी रहा है मगर मुर्दा है। इसलिए कि आसारे हयात और असल जिंदगी वो है जो अल्लाह की याद में बसर हो जाए, जो अल्लाह का के जिक्र में गुजर जाए। और चलते फिरते हर वक्त अल्लाह को याद करना चाहिए, ये नहीं कि जुमेरात का इंतज़ार करें या किसी खास महफल का इंतज़ार करें या मस्जिद में नमाज का इंतज़ार करें तो फिर रब याद आए। चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, अल्लाहु अकबर कहते रहें, सुबहान सुबहान अल्लाह कहते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें। और ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, जब भी कोई अच्छा काम करें उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें, कोई अच्छी चीज़ देखें तो उसको सुबहान अल्लाह कहें, और कोई ऐसा काम देखें तो उसमें जो है जिसमें एक बड़ाई का तसव्वुर पैदा हो तो फौरन अल्लाहु अकबर कहे कि बड़ा वही है, अकबर वही है, उसी के शायान शान है कि उसकी किबरियाई का जिक्र किया जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कलिमतान हबीबतान लर्रहमान व सकीलतान फिल मीज़ान व खलफीफतान अलल लिसान सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम। ये बुखारी शरीफ की आखिरी रवायत है। फरमाया कि दो कलिमात ऐसे हैं जो जुबान पर बहुत हल्के हैं, यानी उनका वजन कोई भी नहीं है, बहुत हल्के हैं, जल्दी जल्दी पढ़े जाते हैं, और अगर तराजू में रखो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनका वजन बहुत ज्यादा है। सकीलतान फिल मीज़ान, तराजू में नामे आमाल का जब तोले जाएंगे उस तराजू में इसका बहुत ज्यादा वजन है। वो खफीफतान अलल लिसान, जुबान पर हल्के हैं, वह हबीबतान रहमान, और अल्लाह की बारगाह में बड़े महबूब हैं, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है, वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं। और वो कौन से कलिमात हैं? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अलअज़ीम। ये कलिमात याद कर लें, और याद है तकरीबन अक्सर हजरात को, ये कसरत के साथ पढ़ा करें।
एक रवायत में ये भी आता है कि अगर सात जमीनों और सात आसमानों को एक पलड़े में रख दिया जाए और इन कलिमात का वजन एक पलड़े में रख दिया जाए तो सात जमीनों और सात आसमानों का वजन इंदल्लाह हल्का पड़ जाएगा और इन कलिमात का वजन अल्लाह की बारगाह में भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अल अजीम, ये कसरत से विर्द किया करें इस बात का। ये वज़ाइफ अल्लाह के जिक्र का बायस है और जो अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह उसको दिल की जिंदगी अता फरमा देता है। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे से अभी हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला नो रवायत करते हैं और इमाम तिरमिजी ने इसको जामे तिरमिजी में नकल किया है। फरमाते अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ लोग हाजिर हुए और ज़ाहिर हाजिर होने वाले वो सहाबा किराम ही हैं। उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह अय्युल इबाद अफजलु दराजतन इंदल्लाह यौमल क़ियामा, या रसूल अल्लाह क़ियामत वाले दिन कौन से लोगों का दर्जा बड़ा होगा, यानी क़ियामत वाले दिन जब लोग आएंगे तो दर्जे के एतबार से किन को फजीलत हासिल होगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अज़्ज़ाकिरून अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, फरमाया कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें, यानी जो हर वक्त अल्लाह को याद करते हैं कसरत से अल्लाह का जिक्र करते हैं। और अल्लाह ताला के जिक्र के बहुत सारे तरीके हैं, तिलावत कुरान भी अल्लाह का जिक्र है, अकीम सलात लिज़िक्री नमाज पढ़ना भी अल्लाह का जिक्र है, और वैसे जो तस्बीहात हैं ये भी अल्लाह का जिक्र है, और याद रखिए दुरूद पाक पढ़ना ये भी अल्लाह के जिक्र की एक किस्म है। क्यों कि इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, रब खुद अपने महबूब पर दुरूद व सलाम भेज रहा है। तो फरमाया कि कसरत से जो है ये अल्लाह का जिक्र करने वाले जो मर्द हैं और औरतें हैं इनका अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकाम दर्जा अजमत और रिफत होगी। तो अर्ज की गई कि या रसूल अल्लाह मिनल गाजी फी सबीलिल्लाह, या रसूल अल्लाह जो जिहाद करता है अल्लाह के रास्ते में, जो जंग करता है इलाए कलिमतुल हक के लिए इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, क्या उससे भी बड़ा होगा? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फिर फरमाया قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر, फरमाया अगर वो अपनी तलवार से कुफार के खिलाफ जिहाद करे यहां तक के तलवार टूट जाए और खून आलूद हो जाए, वो कई काफिरों को फासले जहन्नम कर दे, और इस कैफियत में जो है उस वो अपनी मैदान कारजात में खिदमात पेश करे, फरमाया फिर भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला लकान ज़ाकिरून अल्लाह अफजल मिनहु दराजतन, इस दर्जे का मुजाहिद भी हो तो उससे भी जो अल्लाह का जिक्र करने वाला है इसको अल्लाह एक दर्जा ज्यादा अता फरमाया। आप अंदाजा लगा लीजिए, हम ये तो तड़पते हैं कि फलस्तीन में नहीं पहुंच सके, ये तो हम बेकरार रहते हैं कि जी कश्मीर के जिहाद में नहीं पहुंच सके, मगर उससे भी जो बड़ा दर्जा अल्लाह आपको यहां अता फरमाने वाला है उससे हम गाफिल हैं, और वो दर्जा क्या है? अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह को याद करना है, ये हदीस पाक में बयान हो रहा है। तो अल्लाह का जिक्र अल्लाह ताला को याद करना ये इसका इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है। एक दूसरी रवायत में हजरत मुआज रदी अल्लाह ताला ने रवायत करते हैं, फरमाते इन सलाता व सियाम व जिक्रा तुदाअफु अलन नफकत फी सबीलिल्लाह बिसबअमियत दिफन औ कमा قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक नमाज रोजा और जिक्र इलाही अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने पर भी 700 गुना ज्यादा फजीलत रखता है, 700 गुना ज्यादा फजीलत रखता है। देखे ना, एक ये है कि बंदा तन्हा खुद इबादत करे, एक वो है जो कई लोगों के लिए कई रानुमाई करे, कई लोगों की इबादत का बायस बने,
कई लोगों को इस तरफ रागब करे तो जाहिर है दोनों का दर्जा बराबर तो नहीं हो सकता। एक रवायत में यह आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज